आदिवासी तेल है, आप लोगों ने देखा होगा कई सारे एड्स आते हैं उसके सोशल मीडिया के ऊपर। सो मैं आपको बता दूं कि एक बोतल खत्म होने के बाद इसका जो इफेक्ट है एक्चुअल में कितना काम किया है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हो आप लोगों को एक बार फिर से स्वागत है मेरे नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि जो आदिवासी तेल है वो कितना काम किया अभी तक, क्योंकि मैं आदिवासी तेल के बारे में एक एक चीज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि कैसे काम कर रहा है, कितना काम कर रहा है और कितना इफेक्टिव है। एक्चुअल में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो मैं आप लोगों के साथ आज बताने वाला हूँ। ये मेरा आदिवासी तेल के ऊपर तीसरा वीडियो होगा। पहला वीडियो मैंने बनाया था जब स्टार्टिंग में, जब 2 दिन हुए थे मेरे को बाल मुड़वाए हुए, तो उस टाइम तो मैंने स्टार्ट किया था जस्ट। फिर मैंने दूसरी वीडियो बनाई जो पार्ट टू, तो उसमें बताया कि जो बोतल थी वो आधा ख़त्म हो गया था, आधी जो तेल है एक बोतल की वो ख़त्म हो चुकी थी तब मैंने बनाया था। और अब इसके बारे में बताऊंगा कि कितना काम किया है, क्योंकि मैं बोला था उस टाइम कि जब पूरा बोतल ख़त्म हो जाएगा एक, क्योंकि 2 बोतल है मेरे पास, तो मैं बताया था कि हाँ जब एक बोतल ख़त्म हो जाएगा पूरा तो मैं दोबारा से वीडियो बनाऊँगा। फाइनली जो मैंने 2 बोतल थे मेरे पास उसमें से एक बोतल बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, देख सकते हो आप, इसमें बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा है, एक ही दिन में ख़त्म हो जाएगा ये। एक बोतल पूरा ख़त्म हो चुका है और ये कितना काम किया नहीं किया मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ। आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा होगा जो मैंने इससे पहले अपलोड किया था, उसमें बताया था कि आधा ख़त्म हो गया, तो जब मैं नहा रहा हूँ और जो शैम्पू कर रहा हूँ तो उसमें जो बाल हैं मेरे नहीं आ रहे हैं। इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि छोटे थे बाल, इसलिए नहीं आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि अब थोड़े बाल बड़े हो गए हैं और अब मेरे साथ क्या हो रहा है और कैसा इफेक्ट है इसका, कितना काम किया नहीं किया वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। फिलहाल एक बोतल जो है वो ख़त्म हो गया है, क्योंकि लास्ट वीडियो में मेरे बाल बिल्कुल छोटे थे तो उस टाइम बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि छोटे बाल रहते हैं तो आपके बाल नहीं गिरते हैं, मतलब मोस्टली बाल नहीं गिरते हैं, क्योंकि छोटा है तो आप शैम्पू करो, साबुन करो या नहाओ, कुछ भी करो, आपके बाल नहीं आएंगे। अगर एक दो आते भी हैं तो आपको समझ में नहीं आता है, लेकिन जब बड़े बाल होते हैं तो आप शैम्पू करते हो, नहाते हो, तो उसमें क्या है कि आपको दिखता है। अगर शैम्पू हाथ में लगा रहे हो और जब आपके बाल अगर हेयरफॉल हो रहे हैं तो आपके हाथ में आते हैं या फिर नीचे गिरते हैं तो आपको दिखता है, क्योंकि बाल उस टाइम बड़े होते हैं तो आसानी से दिख जाता है, पर जब छोटे होते हैं तो वो नहीं दिखता है। तो आज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक बोतल ख़त्म होने के बाद, मैंने 2 बोतल मंगाए थे उसमें से एक बोतल ख़त्म होने के बाद कितना काम किया, क्या वाकई में मेरा बाल गिर रहा है या बंद हो गया है। आदिवासी तेल जो है दावा करती है कि बाल आपके नहीं गिरेंगे, घने हो जाएंगे और आपके रीग्रोथ होंगे, हेयर फॉल कंट्रोल हो जाएगा। तो पहला वीडियो में कुछ भी उस टाइम रिव्यू नहीं था कि हाँ गिर रहा है नहीं गिर, क्योंकि जस्ट बाल मैंने मुड़ाया था और बिल्कुल ही बाल नहीं थे सर में। सेकंड वीडियो बनाया उसमें बाल थोड़े थोड़े आ गए थे, तो उसमें भी मैं नहा रहा था तो मेरे हाथ में या शैम्पू करने के टाइम बाल नहीं आ रहे थे, क्योंकि जस्ट छोटा थे, तो मैंने रीज़न दिया था कि भाई छोटा बाल है तो शायद नहीं गिर रहा है, इसका रीज़न ये भी हो सकता है। बट मैं बोला था कि एक बोतल ख़त्म होने के बाद फिर मैं वीडियो बनाऊँगा, तो अब जो बाल हैं थोड़े बड़े हो गए हैं। मैं आपको बता दूँ कि एक बोतल ख़त्म होने के बाद इसका जो वर्क है, इसका जो इफेक्ट है एक्चुअल में कितना काम किया है। तो मेरे पहले मैं आपको बाल दिखाता हूँ कि मेरा बाल कितना बड़ा हो गया है, देख सकते हो। पहला बाल बिल्कुल नहीं था शुरू में जब पहला वीडियो बनाया था, सेकंड वीडियो में बिल्कुल थोड़ा थोड़ा था, तो मेरे जो स्काल्प थे वो दिख रहे थे, प्रॉपर स्काल्प दिख रहे थे, और अभी थोड़ा बाल जो है बड़ा हो गया है तो स्काल्प आपको आसानी से नहीं दिखेगा, मेरा जो बाल है आसानी से नहीं दिखेगा, बट अभी भी थोड़ा बाल बड़ा होने के बाद छुप जाएगा, क्योंकि अभी भी दिख रहा है स्काल्प, क्योंकि अभी भी छोटा है, उतना बड़ा नहीं है। ये है इतना बड़ा हुआ है मेरा बाल। ये जो मैं दिखाया अभी फ़िलहाल अभी कुछ ज़्यादा खास बड़ा बाल नहीं हुआ है, बट एक बोतल ख़त्म हो गया है। तो अब मैं जो नहाता हूँ दोस्तों, तो अब मैं नहाता हूँ तो बाल मेरे अभी भी नहीं आ रहे हाथ में, ना मैं शैम्पू कर रहा हूँ तो बाल आ रहे हैं, ना मैं नहा रहा हूँ या साबुन वाबुन कुछ भी, ऐसे साबुन सर में नहीं लगाता हूँ मैं, जस्ट नॉर्मल पानी से धोता हूँ इसको, मैं रात भर लगाता हूँ और सुबह उठ के नॉर्मल पानी से धो लेता हूँ, 2 दिन के बाद फिर शैम्पू करता हूँ, मतलब 2 दिन का गैप पे शैम्पू करता हूँ इसके साथ, अदरवाइज मैं शैम्पू डेली शैम्पू नहीं करता हूँ।
तो अभी क्या है इसका इफेक्ट, मैं नहा रहा हूँ या शैम्पू कर रहा हूँ तो बाल तो दोस्तों अभी भी नहीं आ रहा है, मतलब एक भी बाल मेरे को दिखा नहीं अभी तक। मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर दिखता भी होगा एक दो छोटा, क्योंकि छोटे बाल हैं तो शायद मुझे नहीं दिखता होगा, शैम्पू करने का टाइम गिर जाते हैं, नीचे आ जाते हैं हाथ हाथ में, तो नहीं दिखता होगा। बट मैंने एक दिन ट्राई किया था कि वाकई में बाल आ रहा है या नहीं आ रहा है मेरा हाथ में या शैम्पू में, तो मैंने एक दिन जस्ट शैम्पू किया पूरा अच्छे से और पूरा ऐसे स्काल्प में ऐसे करने के बाद फिर मैंने जब शैम्पू हाथ में लगा के देखा तो मैंने पूरा अच्छे से देखा, क्योंकि छोटा है तो शायद ना दिखे, बट मैंने पूरा जो उसके शैम्पू होता है हाथ में लगा हुआ होता है उसको पूरा मैंने ऐसे दो तीन बार करके देखा तो बाल मुझे नहीं दिखा, एक भी बाल नहीं दिखा। अभी मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि बाल अभी तक मेरे तो नहीं गिर रहे हैं, बट शायद अभी भी छोटे हैं तो शायद ना गिर रहा हो, कि छोटा है अभी तो शायद नहीं गिर रहा हो, थोड़ा जब और बड़ा होगा तो एक्चुअल में मालूम पड़ेगा कि हाँ बड़ा होने के बाद गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है, बट अभी तक तो नहीं गिर रहा है। मैं ये बोल सकता हूँ कि अभी तक तो मेरे बाल हाथ में नहीं आ रहे हैं, छोटे हैं या क्या है मालूम नहीं, मैं अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल सकता कि ये काम कर गया या फिर काम नहीं कर गया या इसकी वजह से बाल नहीं गिर रहे हैं, मैं ये नहीं बोल सकता हूँ जब तक मैं पूरा नहीं लगा लेता, एक बोतल ये ख़त्म नहीं कर लेता और मेरे जो बाल है कम से कम इतना बड़ा नहीं हो जाता या इतना बड़ा नहीं हो जाता, तब तक मैं नहीं बोलूँगा आप लोगों के काम किया कि नहीं किया। तो मुझे ये जो तेल है पूरा यूज करने दो, सो जैसे जैसे मैं इसको यूज करते जाऊँगा आपके साथ जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करूँगा, एक एक चीज़ बताऊँगा। एक बोतल ख़त्म हो गए, एक बोतल ख़त्म, एक बोतल भरा हुआ है, तो एक ख़त्म हो गए तो मैं नहीं बोल सकता कि काम किया कि नहीं किया, इतना बोल सकता हूँ कि मेरे हाथ में बाल नहीं आ रहे हैं शैम्पू लगाने के बाद, हाथ में नहीं आ रहे हैं, छोटा है इसके लिए नहीं आ रहा है या एक बोतल ख़त्म हो गया इसके लिए नहीं हो रहा है, इसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा क्योंकि मैं खुद कन्फ्यूज हूँ, छोटा है इसलिए नहीं गिर रहा या ये लगाने के बाद रुक गया, तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। सो मुझे क्या करना है कि अभी थोड़ा वेट करना चाहिए मुझे, आप लोग क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट में बता सकते हो कि मुझे वेट करना चाहिए इसका फाइनल रिजल्ट का, एक्चुअल रिजल्ट क्या है इसका, उसके लिए मुझे वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं तो ये बोलूँगा कि मुझे वेट करना चाहिए पूरा बोतल ख़त्म होने के बाद, थोड़ा बाल और बड़े हो जाने के बाद, उसके बाद मालूम पड़ेगा कि हाँ एक्चुअल में काम किया कि नहीं किया। सो मैं अभी कुछ नहीं बोलूँगा कि काम कर गया या नहीं कर गया, क्योंकि बाल अभी आप एक बार फिर से दिखाता हूँ आपको, देखो कुछ खास बड़े नहीं हैं, बट हाँ लास्ट वीडियो में जो बनाया था उससे तो थोड़े बड़े हो गए हैं, बट उतना भी बड़ा नहीं है, जैसे एक उंगली भी नहीं है अभी, थोड़ा और बड़ा होने देते हैं, एक उंगली कम से कम होने देते हैं, उसके बाद बताएंगे कि हाँ अभी भी मेरा बाल गिर रहा है या नहीं गिर रहा है। क्योंकि जो आदिवासी तेल है आप लोगों ने देखा होगा कई सारे एड्स आते हैं उसके सोशल मीडिया के ऊपर, तो हमेशा आप बोलते हुए सुनेंगे जो इसके ऐड करते हैं जो लंबे लंबे बाल होते हैं कि घने बाल हो जाएंगे, बाल गिरना बंद हो जाएगा, नए बाल आपके आ जाएंगे, रीग्रोथ हो जाएंगे, और जो पतले बाल हैं और बिल्कुल ही मोटे हो जाएंगे। तो इसके बारे में मैं कुछ भी बोलने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं जो रिव्यू दूंगा वो बिल्कुल ही जेन्युइन रिव्यू दूंगा आपको, बढ़ा चढ़ा के नहीं ऐसा ऐसा हो गया वैसा हो गया मेरा तो काम कर गया मेरा तो बाल नहीं गिर रहा, ऐसा मैं कुछ भी नहीं बोलने वाला। जब तक पूरा बोतल ख़त्म नहीं कर देता, जब तक मेरे बाल थोड़े बड़े नहीं हो जाते जैसा मैं बाल रखता हूँ, मतलब एटलीस्ट इतना बड़ा होना चाहिए, एक उंगली इतना होना चाहिए बाल, जैसे आदमी हाथ से ऐसे बाल कर लेता है बिना कंघी का ही, उतना बाल तो आना चाहिए, उतना बाल आ जाएगा, उसके बाद शैम्पू करता हूँ तो बाल गिरते हैं नहीं गिरते हैं या क्या इसका इफेक्ट है मुझे तो मालूम पड़ जाएगा कि हाँ एक्चुअल में काम किया है या नहीं किया है या कितना काम किया है, तो मुझे तो पता चलेगा। फिलहाल मुझे ये इसको ख़त्म करने दो, सो फिलहाल के लिए इतना ही और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर कर देना और लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना बोलना। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।